नमस्ते, कैसे हैं आप सब। और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। घर में सिर्फ हम और रिद्धि और बाबू व्रत हैं, और सैजल को पढ़ाई करनी थी, उसको नहीं वो नहीं रही। और हम लोग जा रहे हैं अब, तो रिद्धि और बाबू दोनों व्रत हैं। इन लोगों के सामने अगर नाम ले दो कि हाँ आज व्रत है, तो ये लोग तैयार रहते हैं। और बाबू तो छोड़ता भी नहीं है, बाबू को नहीं छोड़ना है, व्रत रहना ही है। और इसके बाद में हम लोग ने सोचा कि चलो मंदिर हो आएँ, क्योंकि कभी कभी तो जाना होता है। मंदिर जाने में बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर थोड़ा सा बैठना जाना अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। पूजा की सामग्री बेच रहे हैं। नहीं, छोटे बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। उनकी दुकान पे भी जाके देखा तो छोटे छोटे से बच्चे ही थे, वही दुकान लगाए थे, तो लगवाई होगी इनके मम्मी पापा ने। तो यहाँ पे हमने सोचा कि दूध मिल रहा है, लेकिन दूध नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे ठंडाई मिल रही थी और बाटी जा रही थी, तो फिर ये प्रसाद यहाँ पे मिला, तो यहाँ से हमने सोचा प्रसाद पहले ले लें, उसके बाद में चलें। अब बेलपत्री वगैरह तो ले चुके थे, रिद्धि को खड़ा कर दिया क्योंकि रिद्धि को भी जाना था। बाबू कहने लगे हम नहीं जाएंगे, उनको अंदर नहीं जाना है। बाद में तो बुला लिया था बाबू को भी। और यहाँ पे प्रसाद लेके और हम लोग जाएंगे मंदिर में। और बहुत ही लंबी लंबी लाइनें हैं, भीड़ भी है, लेकिन अच्छा लग रहा है मंदिर में। मंदिर का वातावरण ही ऐसा होता है कि वहाँ पे जाके अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब लोग खरीद रहे हैं प्रसाद। यहाँ पे धूप हो गई है, तो धूप हो गई, गर्मी भी हो गई है, इसलिए परेशान ये थोड़ा सा मुंह इसका लाल हो गया है जो बेच रही हैं सिस्टर प्रसाद। और इधर जो है चप्पल किसी ने कहीं निकाल के रखी, किसी ने कहीं निकाल के रखी। और इधर रिद्धि लाइन में लगी हुई हैं, और हम लोग आगे जाएंगे। और ये एक तरफ से आ रहे हैं लोग और एक तरफ से जा रहे हैं। सुबह में जाओ ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन हमने सोचा थोड़ा देर में जाएंगे, और देर से गए फिर भी भीड़ थी, भीड़ काफ़ी थी। लेकिन अच्छा भी लगता है मंदिर में, भीड़ भी हो तब भी। तो यहाँ पे ये लाइन है, और यहाँ से इधर से हम लोग जाएंगे और उधर से आएंगे। ये शिव जी का मंदिर है, ये सामने जो दिख रहा है दान पात्र लिखा है, यही मंदिर है। तो हम लोग आगे जाएंगे, और जल्दी जल्दी से आगे जा रहे थे सब लोग, टाइम नहीं लगा, 5 से 7 मिनट में हम लोग आगे चले गए थे।
और ये रिद्धि है साथ में, बाबू नहीं है, बाबू को भी बुलाएंगे। हमें पता ही नहीं लगा, वो चाचा के साथ ही रुक गया और यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया। और कहीं भी मंदिर में जाओ अच्छा लगता है, पूजा पाठ कुछ भी करो, घर में भी करो अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो बंद है, गेट बंद है और तसला रखा है, वहाँ पे सब सारा सामान चढ़ा दो। ये है शिव जी सनातन मंदिर के, तो यहीं पे हम लोग ने बेलपत्री चढ़ाई और बाकी हर जगह जो है तसले रखे थे उन्हीं में चढ़ाना था, फूल और बेलपत्री। दूध का पैकेट ही ज़्यादा चढ़ रहा था और कुछ लोग जो थे खुला दूध लेके आए थे अपने घर से तो बर्तन में, तो वो चढ़ा रहे थे। और यहाँ पे धूप बत्ती लगा रखी है सबने, बहुत ज़्यादा ही धुआं हो चुका था। दिया और धूप बत्ती यहीं पे अलग मंदिर के बाहर लगाए हैं सबने। और यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, पूजा हो गई हमारी, अब थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सब आगे जाने के लिए तैयार हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे बैठे भी हैं, हम भी बैठ गए वहीं पे। और जिसको जहाँ जगह मिल रही वहीं पे वो बैठ जा रहा है। और यहाँ पे चप्पल नहीं मिल रही थी रिद्धि की, रिद्धि अपनी चप्पल ढूंढ रही थी। बाबू का धूप में मुंह लाल हो गया, तब बुलाया तो देखा एकदम मुंह लाल लाल हो गया था। और अब चप्पल ढूंढ रहे, रिद्धि की मिल गई है। बाद में हमने कहा एक तो नहीं ले जाएगा, कोई अगर ले जाता तो दोनों ले जाता। और इधर जो लोग जा रहे हैं, कोई अपनी बाइक से आया, कोई अपनी सवारी से आया, कोई पैदल आया, सब अपने अपने साधन से आए। और यहाँ पे और अब हम लोग निकल रहे थे घर के लिए, और बाबू का प्रसाद खाना है। बाबू को लग रहा है कि प्रसाद जो है ये अन्न नहीं होता है और इसको व्रत में खाया जाता है, तो सोनू ने इसको खिला भी दिया। कहने लगे हाँ व्रत वाला है, व्रत वाला खा लो। तो बाबू व्रत हैं लेकिन प्रसाद तो खाएंगे, खा रहे हैं। रिद्धि ने नहीं खाया, रिद्धि बोली मम्मी आप खाओगी तभी हम खाएंगे, नहीं तो हमें बुद्धू बना दोगी। तो उसने नहीं खाया, लेकिन लास्ट में व्रत टूट गया था 5 बजे के करीब, वो भूल गई, उसको ध्यान ही नहीं रहा, उसने कुरकुरे खा लिए, उसका व्रत टूट चुका। अभी बाबू हैं, लड्डू खाए हैं लेकिन हैं बाबू। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। सोनू बोल रहे हैं दूसरा मंदिर एक अच्छा है, बहुत अच्छा, वहाँ पे कृष्णा नगर में, तो वहाँ पे चलें। तो हमने कहा चलो अच्छा, चलना हो तो चलें, वहाँ भी दर्शन कर लेंगे। और बाबू व्रत है, उसको प्रसाद खाया बस। तो
रिद्धि चिढ़ा रही, लेकिन उनको पता नहीं है। ऐसा ही पहाड़ था, लेकिन सारे लोग साथ में बैठे कानपुर में गए थे तब भी ऐसा ही था। नहीं है ऐसा ही पहाड़ था, सब लोग ऊपर गए हैं, वो देखो सब लोग ऊपर गए हैं, चलो गए ऊपर। सामान भी मिल रहा था यहाँ पे, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे। और बाबू को जाना था, मैं ऐसी चाहिए चढ़ने में अच्छा लग रहा है, पहाड़ी है इसमें चढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो यहाँ भी अच्छा। हमें पता ही नहीं है, तू इधर जलेगा उधर चढ़ेगा। अच्छा चलो ठीक, अच्छा हम लोग उल्टी तरफ से चढ़ गए थे, चढ़ना था उधर से इधर से। और अब हम लोग जाएंगे घर, रास्ते में पीना है बनाना शेक रिद्धि को, लेकिन ये देखो कैसे दबा दबा के पकड़ के रखी हैं। और भगवान जी भी हमें दो ऑप्शन देते हैं, एक अच्छा या एक बुरा, तो अच्छा पकड़ो या गलत पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, लेकिन ये इंसान को ही है।